भेड़िए ने लिया शेर का रूप और मानव बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर और बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार उस जंगल में एक भेड़िया पास के जंगल से आता है और वो जंगल के जानवरों को देखकर मन ही मन में खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है और साथ ही साथ यहाँ कितने सारे जानवर हैं। मुझे तो यहाँ खाने की कोई चिंता नहीं होती। ये सोचकर वो जंगल के जानवरों का शिकार करने लगता है। भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और डरे हुए थे। हाथी उन सब को लेकर शेर के पास जाती है। महाराज, हमारे रक्षा कीजिए, जंगल में खूनी भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर शेर कहता है, देखिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं जल्द ही उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दूंगा, तब तक आप सब सावधान रहिए। शेर के मुंह से ये बात सुनकर सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तब बाघ शेर से कहता है, दोस्त जल्दी से उस खूनी भेड़िए को खत्म कर दो, बेचारे जानवर बहुत परेशान हैं। हाँ दोस्त, मैं जल्द ही उसे खत्म कर दूंगा। यूं शेर उस खूनी भेड़िए को ढूंढते हुए निकलता है। शेर खूनी भेड़िए को सुअर का शिकार करते हुए देख लेता है। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अच्छा तो तू है वो खूनी भेड़िया जो मेरी मासूम प्रजा का बेरहमी से शिकार कर रहा है। अब बस बहुत हो गया तेरा आतंक, अब तू अपनी आखिरी सांसें गिन ले। शेर की बातें सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे ओ शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगा, साथ में तुझे भी खा जाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर शेर को और जोर से गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर एक ही झटके में भेड़िए को नीचे गिरा देता है। भेड़िया बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। भेड़िया अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो शेर से कहता है, अरे शेर, तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मरकर मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तेरे अपने ही तेरे जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये कहकर भेड़िया मर जाता है और उसकी आत्मा शेर के शरीर में चली जाती है। अब शेर एक उभार शेर में बदल जाता है। वो जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारने लगता। इस बात से अनजान जंगल के सारे जानवर और बाघ शेर के इस रूप को देखकर चौंक जाते हैं। जानवर मौत के डर से अपनी अपनी गुफाओं में ही रहने लगते हैं। बाघ शेर से कहता है, दोस्त ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, एक राजा होने के नाते तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अरे ओ दो कौड़ी के बाघ, बंद कर अपनी बकवास, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरे लिए गुलाम हो, मैं जब चाहे तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। नहीं, मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ठीक है पहले तू ही मर। ये कहकर शेर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ शेर की ताकत के सामने रुक नहीं पाता और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। ये देखकर हाथी कहती है, हे भगवान, हमारे शेर महाराज को क्या हो गया है, वो क्यों हम सबकी जान के दुश्मन बने हैं। यूं हाथी बोल ही रही थी कि वहाँ उल्लू जो बहुत ही ज्ञानी था वो आता है और कहता है, देखो वो महाराज नहीं है, उनके शरीर में वो खूनी भेड़िया घुस गया है और वो ही ये आतंक मचा रहा है। अच्छा तो ये बात है, अब हम क्या करें, कैसे हमारे महाराज और बाकी साथियों की जान बचाएं? इसका एक ही उपाय है, तुम्हें इस जंगल का राजा बनना होगा और वो जादुई मुकुट पहनना होगा जो महाराज का है। अरे पर, बाघ कुछ कहता इससे पहले हाथी बोली,
परवर कुछ नहीं, तुम जल्दी ही उस मुकुट को पहन लो और इस जंगल के महाराज और जानवरों दोनों को बचा लो। ये जंगल के सारे जानवर मिलकर बाघ को अपना राजा बनाते हैं और उसे वो जादुई मुकुट पहनाते हैं। जैसे ही बाघ जादुई मुकुट पहनता है वो एक मानव बाघ में बदल जाता है। और शेर के पास जाता है। शेर मानव बाघ को देखकर कहता है, अरे वाह बुजदिल, क्या मानव बाघ का रूप लेकर आया है। तू क्या समझता है तेरे इस रूप से मैं डर कर भाग जाऊंगा। तू चाहे किसी भी रूप में आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ओ खूनी भेड़िए, जानता हूँ कि तू मेरे दोस्त के शरीर में घुसा हुआ है, अब तो तेरी खैर नहीं। मानव बाघ शेर पर हमला करता है। शेर के शरीर में घुसे भेड़िए की आत्मा मानव बाघ की ताकत के सामने रुक जाती है और वो शेर के शरीर को छोड़कर भाग जाती है। शेर बहुत ही घायल हो चुका था। बाघ शेर को वो जादुई मुकुट पहनाता है जिससे पहनते ही शेर एकदम से ठीक हो जाता है। शेर अपने दोस्तों का धन्यवाद करता है और फिर से बाकी के जानवर और उनका ख्याल रखते रखते खुशी खुशी रहने लगता है। खूनी भेड़िया और शेर की लड़ाई। जंगल में खूनी भेड़िये का आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। वो जंगल के जानवरों को मारकर खाते जा रहा था, जिस वजह से जंगल में जानवरों की संख्या कम होते जा रही थी। जानवर बड़े ही डरे हुए थे, सारे के सारे दहशत में थे। इस बात की खबर देने वो सब मिलकर शेर महाराज के पास जाते हैं और उनसे जंगल को बचाने की मदद की भीख मांगते हैं। तब शेर कहता है, आप सब की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिस खूनी भेड़िए ने मेरे प्रजा को परेशान कर रखा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप सब अपने अपने घर जाइए, मैं उस खूनी भेड़िए का अंत करके ही दम लूंगा। ऐसा कहकर शेर उस खूनी भेड़िए को ढूंढने निकलता है। शेर खूनी भेड़िए को हिरन को खाते देख लेता है। उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और भेड़िए के पास जाकर कहता है, अच्छा तो तू है वो खूनी भेड़िया जिसने जंगल में दहशत मचा के रखी है, लेकिन आज के बाद तू किसी को भी डरा नहीं पाएगा क्योंकि तू डराने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। हाँ मैं ही हूँ वो खूनी भेड़िया, सब मुझसे डरते हैं और तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चल चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी हिरन के जैसे मार के खा जाऊंगा। भेड़िया शेर की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर एक ही झटके में उसे अपने पंजों के नीचे दबोच लेता है। हाय हाय, प्लीज छोड़ो। पर शेर उसके गर्दन को दबोच के ही रखता है। उस वक्त शेर से बचने के लिए खूनी भेड़िया मरने का नाटक करता है। शेर उसे मरा समझकर वापस चला जाता है। तब भेड़िया उठकर कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मारे। मैंने तो इस शेर को तड़पाने के लिए मरने का नाटक किया था, नहीं तो मैं इसे एक ही वार में मार डालता। इसे मैं अब खून के आंसू धुलाऊंगा। भेड़िया शेर को एक ही वार में मारने के बजाय उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। भेड़िया शेर से बदला लेने के लिए उसके घर जाता है। वहां वो शेर के भेष में खुद को बदल देता है और उसके बच्चे को अगवा कर लेता है। उधर जब शेर घर आकर अपने बच्चे को घर पर नहीं पाता तो बड़ा परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहता है कि तब शेर का सेवक बंदर आकर कहता है, महाराज महाराज, राजकुमार को खूनी भेड़िये ने अगवा कर लिया है, हमें जल्द ही राजकुमार को बचाना होगा। इसका मतलब वो भेड़िया मरा ही नहीं था, इसमें मेरी ही भूल थी कि मैंने उसे कमजोर समझा, पर अब नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाकर उस भेड़िये को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शेर और बंदर दोनों भी राजकुमार की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें खूनी भेड़िया दिखाई देता है।
शेर उस पर हमला करने ही जाता है कि तभी बंदर उसे रोकते हुए कहता है, महाराज हमें उसके सामने जाने से पहले राजकुमार को ढूंढकर भेड़िये के चंगुल से बचाना होगा। आप भेड़िये को अपनी बातों में उलझा के रखो, मैं राजकुमार को ढूंढता हूँ। शेर भेड़िये के सामने आकर उसे अपने बच्चे का पता पूछने लगता है। तब भेड़िया कहता है, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे बाद मैं ही इस जंगल का राजा रहूंगा। शेर बंदर की राह देखते रहता है। तब तक वो भेड़िये से बातें कर रहा था। जंगल के एक सुनसान जगह पर जहाँ कांटों से भरी झाड़ियाँ थी, उस जगह पर भेड़िये ने शेर के बच्चे को छुपा कर रखा था। बंदर राजकुमार को देख लेता है, पर कांटों के झाड़ियों से बाहर निकालना बड़ा ही मुश्किल काम था बंदर के लिए। राजकुमार के पास जाता है, बाहर निकालता है। इस तरह से बंदर ने राजकुमार की जान बचा ली। बंदर शेर को ये बात बता देता है। तब शेर बंदर से कहता है, बंदर अब तुम राजकुमार को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ। मैं इस खूनी भेड़िये को मजा चखा कर आता हूँ। शेर राजकुमार को बंदर के साथ भेज देता है, पर ये सब खूनी भेड़िया देख लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बंदर को रोकने की कोशिश करता है, पर तब शेर उस पर हमला करता है और भेड़िये को रोक लेता है। खूनी भेड़िया एक विशाल भेड़िये में बदल जाता है। उसका रूप और भी भयानक बन गया था। विशाल भेड़िया और शेर के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार शेर विशाल भेड़िये से कमजोर होते जाता है। विशाल भेड़िया जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आओ आओ शेर, मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। तुम मुझे जानते नहीं, मैं सब बर्बाद करके रखूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। विशाल भेड़िया खूंखार बन गया था। उसका ये रूप देखकर शेर कहता है, वैसे विशाल भेड़िये का सामना मेरे जैसा साधारण शेर नहीं कर सकता। मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना होगा। चील, तुम कहाँ हो, फौरन यहाँ चले आओ। शेर चील को बुलाता है। चील आते ही शेर एक मंत्र बुदबुदाता है, जिससे शेर भी जादू से आधा शेर और आधा चील बन जाता है। अब शेर की ताकत और भी बढ़ गई थी। वो विशाल भेड़िये का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। उन दोनों के बीच में जम के लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में विशाल शेर भेड़िये को खत्म कर देता है और उसे जंगल के ही एक कुएं में फेंक देता है। तब शेर कहता है, अलविदा खूनी भेड़िये, अब तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं आ सकते। शेर फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और भेड़िये के मरने की खुशखबरी जंगल में सुनाता है। पर कुएं में भेड़िया जिंदा ही रहता है और वो कहता है, बेवकूफ शेर, मैं मरा नहीं, मैं फिर से आऊंगा, फिर से अपने अपमान का बदला लेने जरूर आऊंगा। रात में रूप बदलने वाली खूनी भेड़िया। ये कहानी एक भेड़िये की है जो रात में एक विशाल खूनी भेड़िये में बदल जाता है और जंगल के जानवरों का खून पीने लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये भेड़िया क्यों रात के वक्त खूनी भेड़िये में बदल रहा है और क्यों जंगल के जानवरों का खून पी रहा है। जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो जंगल के सारे जानवरों से मिलजुल कर रहा करता था। एक दिन हाथी और हिरण आसपास में बातें कर रहे थे कि भेड़िया वहां आता है। अरे क्या बात है हाथी बहन, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बात ही कुछ ऐसी है, पास के जंगल में एक शेर आया है जो बेवजह जंगल में शिकार कर रहा है। हमारे जंगल के बहुत से जानवर खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा सारा जंगल बहुत जल्द खाली हो जाएगा, कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ बात तो गंभीर है, हम सबको मिलकर इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। हाँ पर कैसे?
यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि तभी भेड़िए को एक ख्याल आता है और वो कहता है, मेरे पास एक उपाय है, तुम सब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। भेड़िया ढेर सारा मांस लाकर एक जगह पर रख देता है और जंगल के सारे जानवरों को लेकर छुप जाता है और शेर के आने का इंतजार करता है। शेर मांस की खुशबू को सूंघते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे वाह, इतना सारा मांस, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो शिकार किए बिना ही मांस मिल गया। ये कहकर वो मांस खाने लगता है। शेर ने इतना सारा मांस खा लिया था कि वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। शेर अब अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट मांस था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं हिल भी नहीं सक रहा हूँ, थोड़ी देर यही आराम करता हूँ। ये कहकर शेर वहीं लेट जाता है कि तभी भेड़िया सारे जानवरों के साथ शेर पर हमला कर देता है। शेर तो हिल भी नहीं पा रहा था, वो वहीं बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जानवर सोचते हैं कि शेर मर गया और वो भेड़िए को शुक्रिया कहते हैं। भेड़िया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम इस खूनी दरिंदे को मार पाए हैं। बाकी के जानवर भी भेड़िए का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं कि तभी शेर, जो आखिरी सांसें ले रहा था, वो भेड़िए से कहता है, अरे ओ भेड़िए, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जिन जानवरों को बचाने के लिए तूने मेरी जान ली है ना, अब तू खुद उन जानवरों के खून का प्यासा होगा। आज से हर रात मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे लिए काली रात होगी। मेरी आत्मा तेरे शरीर में आएगी और इन जानवरों का खून पी जाएगी। आज से तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये कहकर शेर अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। भेड़िया भी वहां से चला जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उस रात भेड़िया अपनी गुफा में सो रहा था कि उसके शरीर में शेर की आत्मा घुस जाती है और वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। और जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देता है। वो जंगल के जानवरों को मारकर उनका खून पीने लगता है। जैसे ही सूरज निकलता है, वो एक आम भेड़िए में बदल जाता है। जंगल में हाहाकार मच गया था। भेड़िया हाथी से कहता है, अरे हाथी बहन, ये सब किसने किया? पता नहीं, ऐसा खून का तांडव तो मैंने पहले कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। ये भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहां बंदर खड़ा था। बंदर बहुत डरा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, ये जरूर उस शेर की आत्मा ने ही किया होगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो वो आत्मा मेरी भी जान ले लेगी। नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। यूं बंदर भी चुपचाप वहां से चला जाता है। रात होती है, खूनी भेड़िए का आतंक फिर से शुरू हो जाता है। सुबह होते ही भेड़िए को कुछ याद नहीं रहता। सारे जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर अब जाने लगते हैं। ये बात बंदर को अच्छी नहीं लगती। वो हिम्मत करके हाथी के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है।
हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? किसी भी तरह हमारे दोस्त भेड़िए को और इस जंगल के जानवरों को उस खूनी आत्मा से बचाना होगा। मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ जो कई सालों से हमारे जंगल की पूर्वी दिशा पर तपस्या कर रहे हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। यूं वो तीनों मिलकर स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अपनी आंखें खुलकर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो। आज रात जब उस भेड़िए के शरीर में शेर की आत्मा आएगी तो मैं उसे अपने तंत्र मंत्र से अपने कब्जे में कर लूंगा और भेड़िए को आजाद कर दूंगा। ये कहकर स्वामी जी उन तीनों के साथ भेड़िए की गुफा के आसपास आते हैं। जैसे ही रात होती है वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। ये देखकर तीनों जानवर डर जाते हैं। स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़कर उस शेर की आत्मा को भेड़िए के शरीर से अलग कर देते हैं। भेड़िया और बाकी के जानवर स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। इस तरह भेड़िया फिर से सही हो गया और बाकी के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।